इधर छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसे लेकर सियासी गुणा भाग भी शुरू हो गया है। विधायकों के परफॉर्मेंस से लेकर नए चेहरों तक पर राजनीतिक दलों की नजरें बनी हुई हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने स्पष्ट भी कर दिया है कि बिलासपुर में गृह मंत्री रामदास साहू ने कहा है कि विधायकों का परफॉर्मेंस उनका टिकट तय करेगा, किसका बचेगा और किसका कटेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई भी खुद को आमंत्रित नहीं समझे। गृह मंत्री साहू ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रत्येक विधानसभा में जाकर विधायकों के कामकाज का रिकॉर्ड सीधे जनता से ले रहे हैं। विधायकों को मुख्यमंत्री स्वयं जानकारी देते जा रहे हैं कि उनकी कहां पर कमी है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव को लेकर दिए गए बयान पर स्पष्टीकरण भी दिया। उन्होंने कहा है कि टीएस बाबा खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते, ये उनका स्वयं का निर्णय है, इससे समाज, दोस्तों, करीबियों, रिश्तेदारों या फिर समर्थकों को क्या फर्क पड़ेगा। मुझे पत्रकार ने किसी ने पूछा कि टीएस बाबा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, इससे कांग्रेस को क्या नुकसान होगा। तो मैंने कहा कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर नहीं लड़ना चाहता तो उससे कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। मान लो मैं, मुझे पार्टी टिकट नहीं देती तो मेरे समर्थक, मेरा समाज नाराज होगा तो पार्टी को मान लो नुकसान हुआ, पर मैं खुद नहीं लड़ना चाहता तो इसमें कांग्रेस की क्या गलती है? पहले समझ लें आदमी और अर्थ निकाल लें। मैं खुद नहीं लड़ना चाहता तो इससे मेरे समाज को, मेरे यार दोस्त को, मेरे परिवार को क्यों गुस्सा आएगा जब मैं नहीं लड़ना चाहता? पार्टी मेरी टिकट काटेगी तो गुस्सा होगा, तो डैमेज होगा कांग्रेस। तो जब टीएस बाबा ने कहा है कि मैं इस बार सोचूंगा चुनाव नहीं लड़ना चाहता, ये पत्रकार ने पूछा, किसी के भी बात, टीएस बाबा की नहीं मेरे भी बात करोगे, मैं खुद होके नहीं लड़ना चाहूंगा तो उससे कांग्रेस को क्या नुकसान?